दोस्तों, हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इस समस्या को जड़ से कैसे खत्म किया जाए, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। आज हमारे देश इंडिया में जिन व्यक्तियों को बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेके बैठे हुए हैं, डॉक्टर की डिग्री लेके बैठे हुए हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास एक चीज़ नहीं है, रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार है। तो अगर कोई व्यक्ति काम भी कर भी रहा है तो कौन सा काम कर रहा है, लेबर वर्क काम कर रहा है, पूरे 8 से 10 घंटे काम कर रहा है, अब महीने के 8 से 12 हज़ार कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा उसे मिल ही नहीं रहा है, कोई कंपनी दे ही नहीं रही है। यह बात 110% पूरी तरह से सही है और सत्य बात है, आपको आप सभी को पता होंगे ये बात। इसलिए कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं, चलो अच्छी खासी सैलरी तो मिल जाएगी, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही आपको जॉब सिक्योरिटी दे सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। हमारे दिमाग में बैठा दिया गया, हमारा दिमाग पूरी तरह बैठ चुका है कि गवर्नमेंट जॉब चारों तरफ से गवर्नमेंट जॉब, हमें गवर्नमेंट जॉब से ही सही सैलरी मिल सकती है। और जो व्यक्ति एक बार कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट कर देता है और वो सफल हो जाता है तो वो बन जाता है सरकारी दमाद, और जो लोग सफल नहीं हो पाते हैं वो क्या करते हैं, दोबारा तैयारी करते हैं और फिर से वो तैयारी करते हैं, और किसी स्टूडेंट को तो 3-4 बार तैयारी करना पड़ता है, फिर भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, पर हासिल हो जाता है तो अच्छी बात है। ऐसे में वो व्यक्ति अपने तनाव और परिवार के तनाव से भी लड़ रहा होता है, ये आमतौर पर सबके साथ ही होता है। ऐसे में वो अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, यानी 3-4 साल बर्बाद करने के बाद, क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब इतनी कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कि हर कोई को गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल है। अब सवाल उठता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। मैं अपने सोच के हिसाब से बताता हूँ, अपने रिसर्च के हिसाब से बताता हूँ, हालांकि कुछ लोगों की सोच अलग अलग होती है, उन्हें पसंद नहीं आएगा, लेकिन मेरी बात अच्छी लगे तो उस पर अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। मेरा मानना है कि एक स्टूडेंट को 10वीं तक ही पढ़ाई करना बहुत ही उचित है, उससे आगे पढ़ना मतलब टाइम वेस्ट करने के बराबर है। अब बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके क्या करोगे जब आपके पास रोज़गार ही नहीं रहेगा। तो 10वीं के बाद व्यक्ति को कोई ना कोई अपने स्किल से रिलेटेड काम करना चाहिए, या उन्हें जो काम पसंद है उसे करना चाहिए, जिसमें उसे लगता है कि वो अपना भविष्य बना सकते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना तो कमा ही लेता है कि वो 2 वक्त की रोटी जुगाड़ कर ही लेता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप बिल्कुल भी कर सकते हैं। सोचिए, जब हम बंदर थे, आदि मानव थे, जब हमारे पास उतनी ज़्यादा बुद्धि नहीं थी, तो उस समय क्या था, उस समय तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं था, ना कोई प्राइवेट कंपनी थी, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ये कुछ भी नहीं था। तो ये सब तो बाद में है, कौन बनाया, हम इंसानों ने ही बनाया। आजकल गूगल, फेसबुक, यूट्यूब में इतने इंडियंस भरे पड़े कि हर 3 वीडियो में एक वीडियो इंडियंस का ही होता है। एक दिन ऐसा आएगा कि इनमें भी अर्निंग बहुत कम हो जाएगी, इसलिए इन सभी को अपना करियर ना बनाए। साइड इनकम और एक्स्ट्रा मनी करने के लिए ये सब सही है, करियर बनाना है तो कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा काम कीजिए कि आपका नाम, आपका वजूद इस दुनिया में लंबे समय तक रहे। वरना तो सब तो है, आप तो चले जाओगे, लेकिन आप जो कर्म किए हैं वो तो रह जाएगा, यादों तो रह जाती है। हमारे देश में आज भी लोगों को जीवन जीने में बहुत परेशानी होती है, लोगों की परेशानियाँ कम नहीं है, कुछ ऐसा कीजिए कि उनका जीवन आसान हो जाए, उनकी परेशानियाँ कम हो जाए और आपकी अर्निंग भी हो जाए, आप पूरी तरह से फेमस हो जाए, आपका नाम भी हो जाए। इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में बिकते बहुत हैं और उस प्रोडक्ट का हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, त्योहारों में तो वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकते हैं, लेकिन दुख की बात ये है, आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो मेड इन इंडिया नहीं होते हैं, हमारे देश में नहीं बनते हैं, बल्कि दूसरे देश के प्रोडक्ट होते हैं। अगर मेड इन इंडिया होता तो डॉलर और यूरो और कई विदेशी करेंसियाँ हमारे रुपए पे अभी भारी नहीं पड़ते। हमारे देश में बहुत सारे महान लोग हुए हैं, हमारे देश में अभी भी बहुत सारे महान लोग हैं जिनके IQ लेवल भी बहुत अच्छी है, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अधिक से अधिक डॉलर कमाने में बिजी हैं, उन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि डॉलर रुपए पे भारी पड़ रहा है, वो सिर्फ अपने ही स्वार्थ में लगे हुए हैं, उन्हें क्या मतलब दुनिया किस तरह से जी रहे, उन्हें लगता है कि लोग बुरे हैं इस वजह से, अब दुनिया के भला कौन करता है, मैं अपना भला करता हूँ, ये सब सोच के ही डॉलर कमाने में बैठते, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। आप अपने इंडिया को भी तरक्की के रास्ते पर ला सकते हैं। आज डॉलर, एक बात आपको मालूम नहीं होगा,
आज से करीब 47-48 साल पहले यानी 1970-71 में $1 बराबर 7.5 रुपया हुआ करता था, 7.5 रुपीज हुआ करता था, जो आज 2018 में 72.18 रुपये हो गए हैं। लगभग 10 गुना हमें ज़्यादा चुकाने पड़ते हैं। ये तभी कम हो सकता है जब हमारे देश में बिकने वाले प्रोडक्ट जो हमारे देश में नहीं बनते वो हमारे देश में बनने लगे, मेड इन इंडिया हो जाए और हम विदेशी कंपनियों की तरफ ज़्यादा आकर्षित ना होकर हम अपने भारत में रहकर अपने भारत की कंपनियों में काम करें या कोई कंपनी में जॉब नहीं मिल रहा था, हम शुरू से ही मतलब छोटा ही कुछ मतलब स्टार्ट करें, छोटी कंपनी ही स्टार्ट करें। कोई जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़ी कंपनी स्टार्ट करें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, हम छोटा ही स्टार्ट कर सकते हैं। ये बात सुनने और बोलने में तो अच्छी लगती है, लोगों को बातें करने भी अच्छी लगती है, लेकिन करना उतना आसान नहीं होता है। मुश्किल तो होती ज़रूर है, लेकिन ये बात ध्यान रखिए, असंभव कुछ भी नहीं है। मेरा एक ही मंत्र है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दी वर्ल्ड, सो नेवर गिव अप अंटिल योर लास्ट ब्रेथ। सब कुछ संभव है दुनिया में, इसलिए कभी हार ना माने, उसे अपनी आखिरी सांस तक पूरा करने का हौसला रखे। मैं एक बात बोलता हूँ, ना हारना है तुझको ना किसी को हारने देना, ना हारना है तुझको ना किसी को हारने देना है। चाहे जितना भी हो मुश्किल, मंजिल पाकर दिखाना है। चाहे पर्वत आए या कोई तूफान, चाहे पर्वत आए या कोई तूफान, अपने रास्ते से बिल्कुल भी टस से मस नहीं होना है। अपनी हर हार को अपनी बुलंद हौसले से जीत कर दिखाना है। इस प्रकार की रेगुलर और बेहतर वीडियोज पाने के लिए अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए, जिससे भला हो सके किसी का। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में नए और दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।